हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे इंडियन क्रिकेटर की कहानी जिसने अंडर 23 तक कोई भी क्रिकेट ट्रायल नहीं दिया और ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल या अंडर 19 की कोई भी ट्रॉफी खेली और सिर्फ अपने टैलेंट पर सीधा डेब्यू किया रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल टीम में और टीम इंडिया में, ओडीआई और टेस्ट टीम में। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई बिना ट्रायल दिए टीम इंडिया तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस क्रिकेटर की कहानी बताने वाला हूं वो है मोहम्मद सिराज, जिसको आपने आईपीएल और टीम इंडिया में खेलते हुए देखा है। और हाल ही में दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने अंडर 23 तक कोई भी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला था, वो सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आईपीएल टीम में सेलेक्ट हुए और टीम इंडिया तक पहुँचे और उनका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन कैसे हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज टेनिस बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, जिसके बाद उन पर नज़र पड़ी उनके मामा की, जो कि क्लब क्रिकेट में खेलते थे, और उन्होंने मोहम्मद सिराज को वहां पर खेलने के लिए बुलाया और वहां पर पहली बार मोहम्मद सिराज ने लेदर बॉल से खेला और वहां पर बॉलिंग डाली और उन्होंने वहां पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, जिसके बाद उन्हें रणजी ट्रॉफी के ट्रायल के लिए बुलाया गया। इसके बाद दोस्तों, मोहम्मद सिराज रणजी ट्रॉफी में सेलेक्ट हुए, लेकिन दोस्तों रणजी ट्रॉफी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन वो उसके बाद आरसीबी के नेट बॉलर बने, जहां पर उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग डाली और वहां पर उनको उनके कोचेस ने देख लिया, जो कि हैदराबाद की रणजी टीम के भी कोच थे। और उसके बाद मोहम्मद सिराज की रणजी टीम में दोबारा वापसी हुई और इसके बाद वो आरसीबी की मेन टीम में भी ऑक्शन में चुने गए 2,60,00,000 रुपए में। इसके बाद दोस्तों, मोहम्मद सिराज की टीम इंडिया में एंट्री हुई, T20 टीम में, ODI टीम में और उसके बाद टेस्ट मैच में भी डेब्यू हुआ। हालांकि दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन दोस्तों अगर आप में टैलेंट है तो आप किसी भी लेवल पर खेल सकते हो, वो भी बिना डिस्ट्रिक्ट और बिना रणजी ट्रॉफी खेले भी। तो दोस्तों, आपको मोहम्मद सिराज की ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो और कौन से लेवल पर खेलते हो और आपको किस क्रिकेटर की इंस्पिरेशन स्टोरी चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।